दत्तक गरीब बहन रिच फैमिली का। बहादुरा नामक गांव में किशन और बबीता नाम के दंपति को बच्चे नहीं थे, इससे वो लोग एक अनाथ आश्रम से कीर्ति नाम की एक बच्ची को गोद लेकर आए। एक साल तक कीर्ति का अच्छे से देखरेख किए। इतने में बबीता को प्रिया नाम की एक बेटी पैदा हुई और तब से बबीता कीर्ति की परवाह करना छोड़ दी। बेचारी कीर्ति को ठीक से पढ़ाती नहीं थी। ऐसे थोड़े सालों के बाद प्रिया और कीर्ति दोनों बड़े हुए। एक बार प्रिया प्यार कर रही हूँ कहकर एक अमीर लड़के को लेकर घर आई। बबीता खुश होकर शादी के लिए मान गई, मगर वो देखकर कीर्ति, माँ ये अभी छोटी है, अभी इसकी पढ़ने की उम्र है और ऊपर से लड़के के बारे में पता किए बगैर कैसे शादी करोगे, बोली बबीता। तब चुप रहो, कल मुही कहेंगी मेरी बेटी को अमीर रिश्ता आया है कहकर तुम जल रही हो ना, कहकर थोड़े दिनों के बाद प्रिया और विनय की शादी की। बाद में एक गरीब लड़के को देखकर कीर्ति की भी शादी करवाई। अगर कभी कीर्ति उनके घर को गई तो प्रिया उसके पति के लाए पैसों के बंडलों को अपने ऊपर डालकर कीर्ति को दिखाते हुए उसके गरीबी का मजाक उड़ाती थी। ऐसे थोड़े दिनों के बाद कीर्ति घर को गए तो भी कोई उससे ठीक से बात नहीं करने के वजह से कीर्ति अब उनके घर को जाना ही बंद कर दी। थोड़े दिनों के बाद विनय को शराब पीने की लत लग गई। शराब पीते हुए, जुआ खेलते हुए उसने पूरी जायदाद को खो दिया। ये पता चल के बबीता झगड़ने के लिए दामाद के घर को जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाकर आने लगी। ऐसे वो लोग पैसे नहीं रहने के कारण बहुत परेशान हो रहे थे। एक बार बबीता अनहोने में शहर के एक घर के सामने से गुजर रही थी तो वहां पर उसे एक आलीशान घर दिखाई दिया। वो घर बढ़िया है सोचकर झांककर देखी तो उस घर में कीर्ति तनकर काम वालों से काम करवा रही थी। ये देखकर बबीता आश्चर्य में पड़ गई। बाद में वो कीर्ति के घर में गई। वहाँ पर कीर्ति का पति धीरज था। उन्हें देखकर बबीता हैरान होकर, ये क्या, आप लोग कब अमीर बने, कहकर पूछी। धीरज तब, सासू माँ मैं पैदाइशी अमीर हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, कीर्ति से पहली नजर में प्यार हुआ, कीर्ति का हाथ मांगने आपके घर को आए तो आपके बारे में मुझे पता चला, आप वैसे भी अमीर लड़के से कीर्ति की शादी नहीं करोगे कहकर गरीब बनकर आया और इसे शादी किया, कहा बबीता तब। बाप रे कितना बड़ा अन्याय, धोखा, मुझे धोखा देके शादी किए, वहाँ पर मेरी बेटी परेशान है और इसे यहाँ पर खुश देखकर मैं बर्दाश्त कर नहीं पा रही हूँ, बोली कीर्ति तब। देखा ये है इनकी मानसिकता, बचपन से ये ऐसी ही है, वैसे मेरी शादी के बाद एक बार भी मुझे देखने नहीं आए, कैसे हूँ कहकर पूछे भी नहीं, अब ये घर अच्छा है कहकर झांक कर देखे तो मैं दिखाई दी इसलिए अंदर आई, यहाँ आने के बाद भी हम पर रो रहे हैं और ऊपर से खुद के बारे में कहानियाँ सुना रही है, हमें इनकी कहानियां सुनने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसे भिजा दीजिए, बोली। इससे बबीता दंग होकर रोते हुए घर को आई। घर को आकर पति से कीर्ति के बारे में बताकर बहुत रोई। किशन तब, देखो बबीता मुझे कीर्ति के पति के बारे में और उसके शादी के बारे में पहले से ही पता था, मगर मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ इसलिए नहीं बताया, विनय के बारे में कीर्ति बताए तो भी तुमने नहीं सुना और प्रिया की शादी की, कहा बबीता तब। ये क्या जी, मैं उतनी बुरी हूँ क्या, उसे भी बेटी की तरह देखी ना, मेरे पेट में पली है कहकर प्रिया को थोड़ा ज्यादा प्यार दी, बस उतनी सी बात है ना, बोली किशन तब। देखो बबीता एक बार गोद लेने के बाद वो हमारी अपनी बेटी हो जाती है, मगर तुमने फर्क दिखाया इसलिए भगवान ने भी फर्क दिखाया, सब अपनी अपनी किस्मत है, कहा। उस दिन धीरज कीर्ति से, हम विनय वालों को पैसे देकर उनकी मदद करें क्या, बेचारी तुम्हारी माँ सुबह बहुत दुखी हो रही थी, कहा कीर्ति तब। मतलब कैसी मदद करोगे, वैसे वो पैसे लेकर वो विनय पीकर जुए में पैसे उड़ाकर आएगा, इसलिए वो जिंदगी में कभी भी उन आदतों के पीछे नहीं गए जैसे हमें कुछ करना होगा, इसके लिए जो जुआ खेलते जब, दारू पीते जब, जहाँ देखो वहाँ उसे कोई न कोई झगड़ा करके उसे पीट पीट के छोड़ना होगा, ऐसे कम से कम 4-5 महीने उसे मारे तो ही वो सही रास्ते पे आएगा, बोली धीरू तब। बाप रे तुम बहुत वायलेंट हो, बहन से बहुत प्यार है तुम्हें, अब देरी किस बात की, पड़ोस राज्य के मेरे दोस्तों को बुलाऊंगा, तुम्हारे विनय को उन्हें सौंपे तो वो लोग उसे मार मार के सीधा कर देंगे, कहा।
अगले दिन वो अपने दोस्तों को बुलाकर विनय के बारे में बताया। तब से वो लोग विनय जहाँ भी जाता तो वो एक एक करके उसका पीछा करने लगते। बार में पीते वक्त उसे जानबूझकर झगड़ा करके उसे मारने लगते। जुआ खेलने वाले जगह पर भी उसे झगड़ा करके उसे बहुत मारने लगते। ऐसे 6 महीने तक उसका पीछा करके जहाँ दिखे तो वहाँ उसे मारने लगे। इससे विनय को दारू और जुआ से चिढ़ मचने लगी और वो उन आदतों से दूर हो गया। थोड़े दिनों के बाद धीरज विनय के बारे में पता करके उसे अपने पास बुलाकर उससे एक अच्छा व्यापार शुरू करवाया। ये बात पता करके बबीता और प्रिया कीर्ति के पास जाकर उससे माफी मांगे। बहन और माँ को बदलते देख कीर्ति बहुत खुश हुई।